जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरी पाठशाला भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। किसी विद्वान लेखक ने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है कि जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी आपको खुश मिलेगा। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी आपको खुश मिलेगा, पर जिसे जीना नहीं आता वो सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी आपको खुश नहीं मिलेगा। हाँ जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका सामना करने की बजाय उन समस्याओं से हम सभी दूर भागते हैं, और भागते भागते इतना दूर निकल आते हैं, फिर भी जब हम पलट कर देखते हैं तो वही समस्याएं हमारे समक्ष एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती हैं। तो क्या उन समस्याओं से भागना ही सर्वोत्तम उपाय है? नहीं। आइए, इसी विषय पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। एक बार बनारस में स्वामी जी आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ बंदरों ने आकर उनको घेर लिया और उनसे प्रसाद छीनने लगे। उनमें से कुछ बंदर स्वामी जी के समीप जाकर उनको डराने भी लगे। स्वामी जी कुछ देर के लिए भयभीत हुए और वहां से दौड़कर भागने लगे, पर वो बंदर तो मानो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। स्वामी जी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे बंदर भी उनके दौड़ रहे थे। तभी कुछ दूर बैठे एक वृद्ध सन्यासी ये सारा कुछ देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और स्वामी जी से कहा कि इस समस्या से भागना ही कोई आसान उपाय नहीं है, बल्कि आप इनसे डरो नहीं, इस समस्या का पलट कर सामना करो, फिर देखो क्या होता है। स्वामी जी ने जैसे ही उस वृद्ध सन्यासी की यह बात सुनी, वो झट से पलट कर उन बंदरों के समक्ष खड़े हो गए और उन बंदरों के समीप जाने लगे। जैसे ही स्वामी जी उन बंदरों के समीप एक एक कदम बढ़ाते, बंदर वहां से एक एक करके भाग जाते और कुछ देर में सारे बंदर वहां से भाग गए। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और स्वामी विवेकानंद जी ने ढेर सारा धन्यवाद उन वृद्ध सन्यासी को किया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया और कहा, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, बल्कि पलटो और उसका सामना करो। ऐसा ही हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। तो उस समस्या से भागने की बजाय आइए हम सभी मिलकर उसका सामना करें, डटकर उस समस्या का मुकाबला करें। आप देखिएगा उन समस्याओं का समाधान आसानी से सरलता पूर्वक हो जाएगा। इसीलिए मुसीबत जब कभी हमारे जीवन में आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।